Welcome to my channel. Today we are going to discuss some study tips to kickstart your CA exam preparations. वीडियो थोड़ा लंबा है बट एंड तक देखना. ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने प्रिपरेशंस कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल दोनों के लिए. तो यहाँ पर कुछ स्टडी टिप्स हैं जो मैंने जॉट डाउन किए हैं. फर्स्ट तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपके कोर्स में. इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स है, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट्स है. तो आपको आपके सब सब्जेक्ट्स के नाम ध्यान होने चाहिए कम्प्लीटली. फिर सेकेंड, आपको आपके प्रिपरेशन का बेसिस डिसाइड करना है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से पढ़ेंगे या फिर आप क्लासेस लेना चाहेंगे. अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल गो थ्रू करें क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वहीं से एक बेस बनता है हर चीज़ का. और अगर उसके साथ आप कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, कोई ऑथर की बुक यूज़ करना चाहते हैं, तो डिसाइड कर लीजिए कि कौन से ऑथर की बुक आपको परचेस करनी है, ताकि जब आप स्टडी करने बैठे तो आपके पास बुक्स अवेलेबल हो, रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल हो. मेरे को गुरु कृपा पादुका की बुक अच्छी लगती है बिकॉज दे कंपाइल एवरीथिंग. वो लोग सब एक साथ में एक ही जगह पे पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं. इसके लिए मेरे को गुरु कृपा पादुका की बुक रेकमेंड करती हूँ. और फिर जो लोग सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं वो लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम के पहले दिन बड़ी बुक्स, जो ह्यूज बुक्स होती है, उसमें से पढ़ना रिवाइज करना इम्पॉसिबल होता है. तो अगर आपके पास शॉर्ट समरी नोट्स होंगे या एटलीस्ट आपके कीवर्ड्स हाइलाइटेड होंगे बुक में, तो आपको इजी रहेगा यूथ सिलेबस को एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में. वरना फिर इतना कुछ पढ़ने के बाद एग्ज़ाम के टाइम में कुछ भी याद नहीं रहेगा. और हाँ, बुक्स परचेस करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना एप्लीकेबल फिनेंस एक्ट चेक कर लीजिए और एग्ज़ाम के पहले आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है वो भी आप चेक कर लीजिए. अमेंडमेंट्स आरटीपी में भी आते हैं जो आईसीआई इशू करती है, और यूट्यूब में वीडियोस भी रहते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर. अलग से एवरी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज अपलोड करते हैं. अगर जो लोग अभी जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं ना, उनके लिए ये है, पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन से फैकल्टी की क्लासेस आपको चूज़ करनी है. और क्लासेस तीन तरह के होते हैं जनरली सीए में. एक तो फुल कोर्स होता है, फास्ट ट्रैक होता है, फिर रिविशनरी लेक्चर्स होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले रिविशन के लिए, इजी रिविशन और क्विक समअप के लिए होते हैं. और नंबर ऑफ हावर्स भी आप ध्यान रखिए कि कौन से फैकल्टी के क्लासेस कितने हावर्स के हैं. और उसके बाद में हावर्स एक बार आपने चेक कर लिया, उसके बाद में आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर उनके पास एप्लीकेशन है तो टैबलेट में चलेगा क्या, आपके पास टैबलेट है तो टैबलेट में चलेगा या लैपटॉप में चलेगा, कैसे, मतलब क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है उन वीडियो क्लासेस के लिए, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए. आपको पेन ड्राइव लेना है या गूगल ड्राइव लेना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेक कर लीजिए. सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो भी मतलब सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेक कर लीजिएगा. उसके बाद में एक बार आपने डिसाइड कर ली अपने वीडियो क्लासेस और कौन सी फैकल्टी की बुक्स आपको परचेस करनी है, और जब तक आपकी पेन ड्राइव या फैकल्टी की बुक्स आती है तब तक आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर्स है उसका एक लिस्ट बना सकते हैं. और उस चैप्टर्स के अंदर जो भी सब टॉपिक्स है सब एक साथ में आप लिस्ट में लिख सकते हैं कुछ इस तरह. ये मैंने एक सैम्पल बनाया, शॉर्ट सिनॉप्सिस, सब्जेक्ट नेम, चैप्टर लिस्ट, चैप्टर वन, चैप्टर टू, उसके चैप्टर वन के नीचे सब टॉपिक्स, चैप्टर टू के नीचे सब टॉपिक्स. ये आप यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए यू कैन यूज़ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, वो सबसे बेस्ट है. उसमें सब, उसमें इंडेक्स में सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स दिए हुए हैं,
ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपका सिलेबस है क्या, आप पढ़ने क्या वाले हो, आपको जानना कि आपको मतलब आगे क्या चीज़ आपको पढ़नी है कोर्स में। तो जब भी आपका वीडियो क्लास आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि आपका कवरेज है क्या, आपका स्कोप क्या है, वो आपको ध्यान रहेगा। तो ऐसे आप एक शॉर्ट सिनॉप्सिस बना सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा, एक डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना है। उसके बाद क्लासेस तो चली रही है, उसके आगे अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो आप पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स इंस्टीट्यूट के यूज़ कर सकते हैं, जो ICAI के वेबसाइट पे अवेलेबल है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल पे पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स है, RTP है, MTP है, केस स्टडी डाइजेस्ट अवेलेबल है, MCQs भी इशू किया ICAI ने, वो भी अवेलेबल है, और ICAI का केस स्टडी बुक है, क्विक रेफरेंसर उन्होंने ईच सब्जेक्ट के लिए दिया है, कोई कोई सब्जेक्ट के लिए नॉलेज अपडेट कैप्सूल है, फिर ICAI का स्टूडेंट जर्नल है, इसमें भी बहुत सारे चार्ट्स आते हैं रिविजन के लिए, फिर ICAI कुछ एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी इशू करती है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, आप वो भी रेफ़र करके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और MCQ के लिए स्पेशली एक्स्ट्रा बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टीट्यूट के इशू किए हुए MCQs अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के MCQs और केस स्टडीज़ पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कलेक्ट ऑल योर स्टेशनरी, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, एक कलर पेन, हाइलाइटर, पेंसिल, नोटबुक, प्लानर, स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप सब चीज़ कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा पढ़ते वक्त। नेक्स्ट है, कीप अ काउंट ऑफ हार्स ऑफ क्लासेस कंप्लीटेड ईच डे। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके पास एक ट्रैकर होना चाहिए, वो ट्रैकर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बना सकते हैं या आप अपने हाथों से भी लिख मतलब पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने नंबर ऑफ हावर्स ऑफ क्लासेस जो आप ईच डे कंप्लीट कर रहे हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, आप उसका सम अप बनाएंगे और उसको अपडेट करेंगे। जैसे आज मैंने फिनेंशियल रिपोर्टिंग के 3 आवर्स के क्लासेस कंप्लीट किए तो मैं उसमें अपडेट कर दूंगी, एट द एंड ऑफ ईच डे आई विल अपडेट, ऐसे वीकेंड पे भी मैं अपडेट करके टोटल कर लूँगी, तो मुझे ध्यान रहेगा कि मेरे कितने हार्स कंप्लीट हो रहे हैं और कितना मेरा पोर्शन डे बाय डे कंप्लीट हो रहा है, कवर अप हो रहा है। और अगर आप थियोरी पढ़ रहे हैं या कोई बुक से पढ़ रहे हैं, क्लासेस नहीं कर रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ पेजेस पर डे बेसिस पे आप अपडेट कीजिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने आज लॉ में से इंस्टीट्यूट के मटेरियल से 10 पेजेस पढ़े तो मैं 10 पेज अपडेट कर दूंगी मेरे एक्सेल शीट में या फिर मेरे प्लानर में, तो मुझे ध्यान रहेगा अच्छा वीकेंड में मैंने टोटल पूरे एक हफ्ते में 70 पेजेस कंप्लीट किए, तो मैं 70 पेजेस टोटल सम अप करके अपडेट कर दूंगी। तो ये स्टडी प्लानर बेसिकली ट्रैकर है जो आपका हावर्स ऑफ क्लासेस कंप्लीटेड या पेजेस कंप्लीटेड ऑफ बुक आपको ये सब ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ को मेशर कर पाएंगे कि आप कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर और एक रिकमेंडेशन है मेरा यहाँ पे कि जब आप क्लासेस करते हैं तो आप सेपरेट बुक्स यूज़ कीजिए, जैसे कॉस्टिंग सब्जेक्ट है मतलब थियरी पोर्शन है कॉस्टिंग में और प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो सर आपको क्लास में थियरी के नोट्स देते हैं उसको सेपरेट बुक में लिखिए और प्रैक्टिकल सम्स को सेपरेट बुक में कीजिए, इससे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन रहेगा और आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी पढ़ते वक्त। और जब आपका एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने होंगे ना, तो सब आपके थियरी वाले बुक में रहेंगे, मतलब वो एक थियरी नहीं होगा एक्चुअली, कॉन्सेप्ट बुक होगा आपके लिए जो आपको इजी रिविजन देगा। और हर जो भी आपका नोटबुक है प्रैक्टिकल सम्स का नोटबुक, उसके आगे एक लाइब्रेरी एक 4-5 पेज छोड़ दीजिए या एक 10 पेज छोड़ दीजिए जिसमें आपके होंगे लाइब्रेरी ऑफ एडजस्टमेंट। एक्चुअली ना सम्स तो बहुत सारे अपन करते हैं, बट हर सम में ना कुछ एक यूनिक एडजस्टमेंट होता है, तो वो यूनिक एडजस्टमेंट आप सम मतलब पेज नंबर तो आप हर पेपर पर लिखेंगे ही, तो पेज नंबर के हिसाब से आप लाइब्रेरी ऑफ एडजस्टमेंट को अपडेट कर सकते हैं कि पेज नंबर 7 में सम नंबर 5 है और उसमें ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है, आप वो अपने लाइब्रेरी ऑफ एडजस्टमेंट में अपडेट कर सकते हैं। और कीवर्ड बुक
बहुत इम्पॉर्टेंट है थियोरी सब्जेक्ट में, क्योंकि थियोरी का गेम चेंजर ही कीवर्ड्स है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं ऑडिट लॉ जैसे सब्जेक्ट में, ITSM में, वैसे सब्जेक्ट्स में अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपके पास कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। कीवर्ड्स आर द गेम चेंजर्स, ट्रस्ट मी, क्योंकि एग्जामिनर को कीवर्ड्स ही चाहिए। फिर समरी नोट्स बनाना, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है वीडियो क्लास में या सेल्फ स्टडी में, उस टॉपिक का समरी नोट्स जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट समरी नोट, कॉन्सेप्ट नोट बेसिकली आपके पास होना चाहिए ताकि आप रिवाइज कर सको। और सबसे बेस्ट रिविजन का प्लान, डेली एक रिविजन, वीकली एक रिविजन, मंथली एक रिविजन। जैसे डे एंड होता है, सोने से पहले एक घंटा एटलीस्ट आपने दिन में जो कुछ भी पढ़ा आप एक बार गो थ्रू करके सोएंगे ना, तो जब आप नींद में डीप स्लीप में जाएंगे ना, आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा वो। और जब उसको आप वापस वीकेंड पे संडे को रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए और एक सेकेंड रिविजन हो जाएगा। और फिर मंथ एंड पे, मंथ के 30th, 31st या 28th जो भी है, उस टाइम आप पूरे मंथ का रिवाइज करेंगे ना, तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और एक साथ में एक महीने में आपका 3 बार रिविजन हो जाएगा। और संडे को ना रिविजन के लिए रखना सबसे बेस्ट है, पूरा वीक पढ़ो, संडे को कंप्लीट रिविजन करो और एंजॉय करो बाकी टाइम जो बच जाता है रिविजन करने के बाद। बिकॉज लॉन्ग जर्नी होती है, 6-7 months, 8 months का प्रिपरेशन होता है, तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर अपन टाइम पे ब्रेक्स नहीं लेंगे, टाइम पे एन्जॉयमेंट को भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो अपन कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे और बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए संडे को जस्ट कीप इट फॉर रिविजन, और बाकी जो टाइम बच जाए गो एंड एन्जॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बी कंसिस्टेंट वाइल वॉचिंग क्लासेस, बिकॉज फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फ्लो टूट जाता है तो वापस पढ़ने बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जितने घंटे की क्लासेस कंप्लीट करनी है पर डे, आई विल हैव टू डू इट। क्लासेस कंप्लीट हो गई, रात को 1 घंटा रिवाइज कर लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस करते वक्त नोट्स प्रॉपरली लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नोट्स नहीं होंगे तो आपके क्लासेस करने का कोई मतलब नहीं है। अपन को कोई टीवी शो तो देखना नहीं है, अपन के पास कॉन्सेप्ट नोट्स, प्रैक्टिकल सम्स, एडजस्टमेंट्स, हर एक सम में क्या क्या यूनिक एडजस्टमेंट्स है, और थियरी सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन जा रहे हैं, स्टडी टाइम फिक्स कर लीजिए क्लासेस स्टार्ट करने से पहले। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो अर्ली मॉर्निंग, डे टाइम में अगर आप ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, या लेट नाइट, जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे आप कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है तो आप टाइम टाइम पे पढ़ते वक्त पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, स्मॉल नैप ले सकते हैं, आप छोटी आउटिंग के लिए जा सकते हैं, यू कैन गो जस्ट हैव अ कॉफ़ी और अ टी आउटसाइड। बस मतलब मोनोटोनस नहीं बनाना है अपनी पढ़ाई को, यू नीड टू हैव सफिशिएंट ब्रेक्स इन बिटवीन। एंड अपने प्रिपरेशन पे फेथ रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट विल गेट यू द डेडिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा। सो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, बेसिक वॉक आफ्टर हैविंग डिनर और लंच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्पेशली आफ्टर डिनर एक 15-20 minutes का वॉक कर लिया, ये सब चीज़ें अगर आप अपने डेली रूटीन में रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है ना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या एग्ज़ाम के पहले, तो फिर वापस मतलब वापस आके पढ़ाई पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई एक जगह पर बैठकर करने वाला काम है। इसके लिए आप इस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आप आपका कंटिन्यूटी बैठा रहे। और कभी भी तबीयत ख़राब हो भी जाती है तो आप डीमोटिवेट मत होजिए, आपसे जितना होता है ना वो कर लीजिए, आपसे रिविजन होता है रिविजन कर लीजिए, आपसे जो होता है आपको जब फेवरेट है ना पढ़ाई में, मतलब कोई एक सब्जेक्ट रहता है जो अपना फेवरेट रहता है वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, बस घबराना नहीं है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ ख़राब हो जाती है। फिर इनफ स्लीप लीजिए, स्मॉल नैप्स लीजिए ड्यूरिंग द डे, वो आपको रिजुवेनेट करेगा, आपको और एनर्जी देगा एक्सेस पढ़ने के लिए। स्पेशली नैप आप लंच के बाद ले सकते हैं, 1 आवर नैप ले सकते हैं या हाफ एन आवर, मतलब 20 मिनट्स नैप हमेशा रिकमेंडेड रहता है। एंड कोई कोई लोग 1 घंटा भी 1 आवर का नैप भी लेते हैं। और हेल्थी डाइट लीजिए, ये नहीं बोल रहे कि आप सब जंक फूड छोड़ दीजिए, क्वांटिटी पे कंट्रोल रखिए, क्वांटिटी कम खाइए जंक फूड की, और शुगर वाला खाना कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब वाला खाना कम खाइए, अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल नट्स सीड्स जूसेस ये सब अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। यू कैन हैव कॉफ़ी और टी ऑल्सो, आप अगर कॉफ़ी टी आपको नहीं पसंद है या आपको अच्छा नहीं लगता, यू कैन हैव हर्बल टी, आजकल अलग अलग तरह के हर्बल टीस आते हैं, यू कैन यूज़ दैट, आई मीन यू कैन कंज्यूम दैट। एंड वाटर इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सेस वाटर इनटेक भी हार्मफुल होता है, दैट विल मेक यू ड्राउजी, सो कीप अ ट्रैक ऑन दैट ऑल्सो, वाटर हाउ मच योर बॉडी रिक्वायर्स। फिर नेक्स्ट है रिविशन, रिविशन पार्ट में मिनिमम 3 रिविशन इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर यू कम्प्लीट योर क्लासेस और सेल्फ स्टडी, मिनिमम 3 रिविशन, एंड एट द एंड ऑफ एवरी रिविशन 1 मॉक टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। मॉक टेस्ट आपको एक ट्रैक देगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या वीकनेस है, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बना सको और अपने वीकनेस पे इम्प्रूव कर सको, ताकि आपको एक आइडिया आए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेंथ पे चल रही है। और अभी यू कैन प्लान आफ्टर यू कंप्लीट योर रिविजन्स, यू कैन प्लान फॉर योर 1.5 डे जो आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम के पहले, कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे उस टाइम के अंदर अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। उसके लिए यू कैन यूज़ फ्लैश कार्ड्स, यू कैन यूज़ अदर थिंग्स, ताकि आपका रिविजन समरी नोट्स यू कैन कीप इट विथ यू, तो आपको रिवाइज करना ईजी हो जाए, एंड यू कैन कवर एवरीथिंग, एंड यू कैन यूज़ रिविजनरी वीडियोज ऑफ मेनी फैकल्टीज दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, दैट विल हेल्प। एंड लास्ट, बी फियरलेस, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ बिलीव विल मेक द एंटायर जर्नी वर्थ, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, आई एक्सेप्टेड। अगर इस जर्नी को वर्थ बनाना है तो आई थिंक सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ, वो विश्वास ही एंड तक लेकर जाएगा। थैंक यू।